A very good morning to all of you and I welcome you again another session of biology class. और आज की biology class में class 11 के जो हमारा unit cell unit है ना, उस cell unit का last अंतिम topic है micro body सूक्ष्मकाय, कहा जाता है micro body को, ठीक है। तो आज के topic में हम पूरे micro body के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए start करते हैं micro body सूक्ष्मकाय, ठीक है। तो माइक्रो आप देखेंगे, इनका अर्थ देखेंगे आप, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ये जानते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संरचना, ठीक है, संरचना होता है इनका, ठीक है। तो छोटा जो संरचना जो हमको दिखाई देता है, छोटा संरचना जो हमको दिखाई देता है, ठीक है, उसे ही कहा जाता है माइक्रो बॉडी कहा जाता है, सूक्ष्मकाय कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सूक्ष्मकाय जो होते हैं, जितने भी एक सेकंड जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो माइक्रो बॉडी जो होता है वो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये स्मॉल संरचना पाई जाती है, है ना, उसे ही कहा जाता है माइक्रो बॉडी कहते हैं। जैसे कि देखिए ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। ये कोशिका का संरचना है और हम जानते हैं कि जो कोशिका के जो आउटर लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ से इनसाइड ही किससे घिरा हुआ है, साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यही जो माइक्रो बॉडी जो होता है, जो सूक्ष्मकाय जो होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका, है ना, यूकैरियोटिक कोशिका के, है ना, ये जो साइटोप्लाज्म है इस कोशिका द्रव्य में, ठीक है, इस कोशिका द्रव्य में छोटा संरचना दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो छोटा स्मॉल होता है, स्मॉल के साथ साथ ये आशय होता है, ठीक है, आशय एक सर्कुलर फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, वेसिकल कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये थैली नुमा संरचना होता है, बैग नुमा संरचना इस कोशिका द्रव्य में, जैसे कि ये ऐसा कोशिका द्रव्य में ये गोल छोटा संरचना दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है माइक्रो बॉडी सूक्ष्मकाय कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में, देखें तो माइक्रो बॉडी जो होता है, ठीक है, इन्हीं सेल के अंदर में जो कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं, तो इस सेल ऑर्गेनल में हम ऐसे सेल ऑर्गेनल देखे हैं जिनमें वो वेसिकल का निर्माण करते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गॉल्जी बॉडी होता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गॉल्जी बॉडी होता है, ठीक है, और साथ में एक और होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीन ऐसे कोशिकांग है जिसके थ्रू क्या होता है, वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, इसे ही कहा जाता है माइक्रो बॉडी कहा जाता है। जैसे कि ये सेल है, तो ये सेल के ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, ये ऐसा संरचना का निर्माण यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये संरचना आपको जो दिखाई दे रहा है, ये होता है वेसिकल कहा जाता है इसको, है ना। तो यही जो वेसिकल जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनकी उत्पत्ति जो होता है इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इन्हीं से इनकी
ही उत्पत्ति होता है और उसे ही कहा जाता है माइक्रो बॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसके माइक्रो बॉडी में कौन कौन सा माइक्रो बॉडी होते हैं, वो इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आधार पे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं जो माइक्रो जो बॉडी जो होता है। ठीक है, ये माइक्रो बॉडी जो होता है, एक माइक्रो बॉडी ठीक है जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, जिसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, लोमा सोम कहा जाता है। ठीक है, लोमा सोम होता है। तो ये पहला वाला हो गया। ठीक है, दूसरा वाला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट जो हुआ है। ठीक है, जिसे कहा जाता है स्फेरोसोम कहते हैं, स्फेरोसोम। ठीक है, स्फेरोसोम। तीसरा जो होता है, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ओरिजिनेट होता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है क्लाइऑक्सिसोम कहा जाता है, क्लाइऑक्सिसोम कहा जाता है। ठीक है, चौथा होता है जो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आपको ये दोनों दिखाई देता है और इसे कहा जाता है पर ऑक्सीसोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये चार प्रकार के माइक्रोबॉडी होता है। एक और माइक्रोबॉडी होता है जो मैं पांचवा नंबर के जो माइक्रोबॉडी है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इस पांचवे प्रकार के माइक्रोबॉडी जो होता है, ठीक है, ये ट्रांसोसोम कहा जाता है, ट्रांसोसोम कहा जाता है। और ये जो ट्रांसोसोम जो होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, सॉरी जो एनिमल सेल के बाद एनिमल सेल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल में जो एबिज वाले जो होते हैं, एबिज जो पक्षी वर्ग वाले जो होते हैं, इन पक्षी वर्ग में ये ट्रांसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, एक और लाइसोसोम होता है जो एनिमल सेल में पाया जाता है और इसे कहा जाता है लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम। ठीक है, तो ये जो लाइसोसोम जो है, ठीक है, ये क्योंकि लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, तो जिस तरह से लाइसोसोम का काम होता है, डाइजेशन करने का काम होता है ना, ठीक ऐसे ही काम जो प्लांट सेल में ये जो स्फेरोसोम जो होता है, स्फेरोसोम जो होता है, ये प्लांट सेल में ये पाया जाता है और वो डाइजेशन के रूप में ये काम करता है। ठीक है, तो ये चार पांच प्रकार के छह प्रकार के माइक्रोबॉडी हो गया है। ठीक है, लेकिन ये जो लाइसोसोम है ये सेल ऑर्गेनल होता है, माइक्रोबॉडी नहीं होता है। और एलेटिन के बारे में हमने पहले ही लाइसोसोम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस बारे में लाइसोसोम के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये पांच जो माइक्रोबॉडी है, लोमासोम, स्फेरोसोम और ग्लाइऑक्सिसोम होता है, जो पर ऑक्सिसोम और जो ट्रांसोसोम जो है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं लोमासोम। पहला माइक्रोबॉडी है
क्रोमासोम, ठीक है। ठीक है, तो पहला जो माइक्रोबॉडी जो सूक्ष्मकाय जो है जिसे लोमासोम, ठीक है, इसका हिंदी नाम नहीं है, इंग्लिश नाम है लोमासोम, ठीक है। तो ये जो लोमासोम जो होता है, ठीक है, जैसे लोमासोम, जैसे कि मैं जैसे एनिमल सेल के बारे में बात करें तो एनिमल सेल भी जैसे कि ये माइक्रोकॉन्ड्रिया जैसे पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे वो एनिमल सेल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, है ना। तो ठीक इसी तरह बैक्टीरिया जो सेल होते हैं, ठीक है, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में हुआ, ठीक है, जिनका मेन काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोमासोम जो होता है ये प्लांट सेल में भी होता है, ठीक है। तो ये जो लोमासोम जो है, ठीक है, वो सेल जैसे कि कोई भी बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, सर्कुलर बैक्टीरियल है ये, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है, ये चारों तरफ से क्या होते हैं, सेल वॉल से घिरा हुआ रहता है, ठीक है, सेल वॉल से, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये संरचना आपको जो दिखाई दे रहा है जिसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं, जो अंदर से पूरा लिक्विड से भरा हुआ है जिसे साइटोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्मा हुआ, ठीक है। तो यदि हम इसको बैक्टीरियल सेल के शेप में देखें तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे संकुचित हो जाते हैं, ठीक है, और संकुचित होते होते, ठीक है, इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, क्योंकि इनके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से इन्वेजिनेशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, इन्वेजिनेशन, ठीक है, और इन्वेजिनेशन होने की वजह से इसी प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन जो है ये एक सर्कुलर, ठीक है, एक सर्कुलर संरचना, सर्कुलर या यहाँ पर ओवल शेप जो संरचना जो बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, मीसोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल में ये जो मीसोसोम जो होता है इनका मेन काम होता है रेस्पिरेशन का काम होता है, रेस्पिरेशन का काम होता है। यही बात यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी रेस्पिरेशन एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लोमासोम जो होते हैं ये ठीक मीसोसोम जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीसोसोम जैसा सेल, तो याद रखना कि लोमासोम की जो संरचना जो होती है वो सेल मीसोसोम जैसा होता है, याद रखना, ठीक है, मीसोसोम जैसे होता है, ठीक है। और इनकी जो संरचना जो होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, ठीक है, और ये स्मॉल हो गया और ये सर्कुलर शेप होता है, सर्कुलर, ठीक है, और ये दिखने में ये पार्टिकल जैसा दिखाई देता है, ठीक है, कैसा दिखाई देता है, पार्टिकल दिखाई देता है, जैसे मैं यहाँ पर इनका डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका द्रव्य, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका द्रव्य के बीच में, ठीक है, याद रखना एक पॉइंट, ठीक है, लोमासोम जो होता है वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका द्रव्य के बीच में, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, यहां पर कोशिका द्रव्य अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कोशिका द्रव्य हो गया जो पूरा लिक्विफाइड ब्लैडर होता है ये, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्मा जो है, ठीक है, तो कोशिका द्रव्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में, ठीक है, यहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर इनके प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, आप
आप जानते हैं डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये कोशिका द्रव्य है, इन दोनों के मध्य में जो छोटा गोल, छोटा सा, ठीक है, गोल नुमा, ये देखिए, ठीक है, छोटा सा स्मॉल सर्कुलर गोलाकार पार्टिकल्स संरचना जो दिखाई देता है, और ये कभी कभी ओवल शेप भी दिखाई देता है, ठीक है। तो ओवल शेप ऐसा संरचना है, ओवल शेप, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है लोमासोम कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो लोमासोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका द्रव्य, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये कोशिका द्रव्य दोनों के बीच में ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल सर्कुलर पार्टिकल्स, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है लोमासोम कहा जाता है। और ये जो लोमासोम जो होता है सेम बैक्टीरिया जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले जो लिसोसोम होता है सेम उन्हीं की तरह ये दिखाई देते हैं, ठीक है। या जिस तरह से लिसोसोम की उत्पत्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हुई है ठीक उसी तरह उनकी भी जो उत्पत्ति जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हुई है। ठीक है, तो ये हो गया लोमासोम के बारे में, पूरा यहां तक क्लियर हो गया। अब मैंने इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, इनका फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, क्या कार्य है इसका फंक्शन कार्य, ठीक है। तो मैंने जिस तरह से इस मिसोसोम का बैक्टीरिया सेल में काम होता है मैंने पहले ही बताया, रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया करने का काम करता है, ठीक है, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया का कार्य करते हैं ठीक उसी तरह यहाँ पर ये जो लोमासोम का मेन पहला फंक्शन होता है श्वसन की क्रिया करना, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया पहला इनका फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा जो फंक्शन ये होता है कि जो लोमासोम जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है लोमासोम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अपवाद है यहाँ पर कि एक ऐसा भी कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका निर्माण नहीं करता, बाकी कार्बोहाइड्रेट का ये सिंथेसिस करता है, और ये अपवाद है सेल्यूलोज, ठीक है। तो याद रखना सेल्यूलोज जो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट ही है वो, है ना, तो इनका सिंथेसिस नहीं करता, बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट है इनका ये सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो लोमासोम के बारे में बस इतना ही, क्योंकि ये जो लोमासोम जो है अभी तक ये इसका जो स्टडी जो है ना रिसर्च चल ही रहा है अभी तक, है ना, तो इसका रिसर्च अभी अधूरा है, तो इसके बारे में फिलहाल इतना ही होगा, ठीक है। चलिए दूसरा माइक्रोबॉडी है जिसे इस स्फेरोसोम कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, इस स्फेरोसोम, ठीक है। तो अगला जो हमारा जो माइक्रोबॉडी जो है वो क्या है, इस स्फेरोसोम, ठीक है। तो इस स्फेरोसोम जो है, ठीक है, इनकी भी जो संरचना जो होता है, ठीक है, ये पहले ही ये माइक्रोबॉडी है तो सूक्ष्म रहेगा, क्योंकि माइक्रोबॉडी सूक्ष्म काय कहा जाता है, तो ये सूक्ष्म होता है माइक्रो, ठीक है, छोटा होता है स्मॉल, ठीक है,
और स्मॉल छोटा ये कण जैसा होता है डमी पार्टिकल्स के फॉर्म में ये दिखाई देता है, पार्टिकल्स जैसे संरचना होते हैं, ठीक है। और ये गोलाकार होता है, गोलाकार सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो छोटा सूक्ष्म कण गोलाकार ये होता है, ठीक है। तो ये इनकी स्थिति देखा जाए तो इनका स्थिति ये है कि ये जो स्टीरोसोम जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये सिर्फ पादप कोशिका जो प्लांट से जो होते हैं प्लांट सेल में पाया जाता है ये, ठीक है। तो जैसे कि प्लांट सेल है, ठीक है, डायग्राम देखते हैं प्लांट सेल का, ये प्लांट सेल का डायग्राम, ठीक है। तो प्लांट सेल में ये आउटर लेयर जो होता है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेल वॉल हुआ, आउटर थिक लेयर पाया जाता है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर में, ठीक है, आपको एक और संरचना दिखाई देगा जो सेल वॉल से कोशिका द्रव्य को अलग करता है और इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। और इस कोशिका द्रव्य में एक बड़ी सी संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है वैक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है, वैक्यूल्स। अब यहां पर जो आपको ये संरचना आपको दिखाई देगा जो न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसी मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चूंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भांति कार्य करता है, तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निर्माण हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये छोटा छोटा वेसिकल लाइक संरचना जो दिखाई देता है इसे कहा जाता है स्टीरोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि स्टीरोसोम की मतलब इनकी जो उत्पत्ति जो है, ठीक है, वो किससे हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनकी उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। और ये तो प्लांट सिर्फ पादप कोशिका के बारे में हुआ, ठीक है। तो यदि इसे हम एनिमल सेल में देखें, ठीक है, तो एनिमल सेल में ऐसे ही संरचना, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर कि ये जो स्टीरोसोम जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन मतलब सिंगल मेम्ब्रेनस से बना हुआ है, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, एकल झिल्ली होता है, चारों तरफ से एकल झिल्ली से ये घिरा होता है। मतलब ये मान के चलो कि ये ऐसा संरचना होता है ये स्पीरोसोम का, ठीक है। और ये चारों तरफ से सिर्फ एक ही सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो ऐसी ही संरचना से इस एनिमल सेल में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये थैलानोमा संरचना, ठीक है, ये थैलानोमा संरचना और ये भी एकल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। और सेम ये भी, ठीक है, कि जितने भी माइक्रो बॉडी है वो सब थैलानुमा होता है ना, तो इसलिए याद रखना कि ये भी थैला है। और यहाँ पर एनिमल सेल में ये जो थैला लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइसोसोम कहा जाता है। तो सेम ऐसे ही संरचना प्लांट सेल में पाया जाता है जिसे स्फेरोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से लाइसोसोम जो होता है इनको एक एनवायरमेंट चाहिए रहता है काम करने के लिए, ठीक है। तो एनवायरमेंट चाहिए, तो इनके लिए जो एनवायरमेंट जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक मतलब ये अम्ली जो माध्यम होते हैं इस अम्ली माध्यम में ही काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए इस लाइसोसोम के अंदर में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स, क्योंकि ये अंदर मैट्रिक्स होता है,
ठीक है, इनके अंदर में क्या होता है, मैट्रिक्स होते हैं। तो सेम ये जो स्फेरोसोम जो है, ठीक है, ये क्या है, स्फेरोसोम है। तो इस स्फेरोसोम के अंदर में भी क्या पाए जाते हैं, मैट्रिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, मैट्रिक्स पाए जाते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये जो एंजाइम जो होते हैं, जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर एसिड होता है, हाइड्रोलाइटिक एसिड होता है, और इसी हाइड्रोलाइटिक एसिड के माध्यम में ही ये एंजाइम जो होता है वो इन एटीसोम में पाया जाता है। लेकिन वो बाद में धीरे धीरे जब इसको माध्यम एसिडिक माध्यम में जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, एटीसोम में, है ना। तो सेल्स यहाँ पर जो लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम एसिडिक एनवायरनमेंट माध्यम में ये मतलब एंटी हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एसिड के वजह से, ठीक है, यहाँ पर भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी एंजाइम की संख्या जो है वो 40 से ज्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं। आपके किताब में जरूर 24 दिया है, ठीक है, तो 24 नहीं पाया जाता है, 40 से ज्यादा एंजाइम्स इस लाइसोसोम में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो जिस तरह से यहाँ पर लाइसोसोम का एक फंक्शन जो होता है कि ये क्या करता है, डाइजेशन डाइजेस्टिव बैग के रूप में काम करता है। ठीक है, पाचक थैला कहा जाता है। पाचक थैला मतलब कि जितने भी पदार्थ जो होते हैं, या पदार्थ के रूप में या फॉरेन पार्टिकल्स के रूप में, चाहे वो बैक्टीरिया वायरस ही क्यों ना हो, इसको क्या करते हैं, ये इनको ईटिंग करता है, खा जाता है। ठीक है, क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, और खाता तो है तो साथ में ये अपने आप को भी खा जाता है। ठीक है, ये अपने आप को भी खा जाता है, इसीलिए इसको ऑटोफेजी, ठीक है, ऑटोफेजी या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो सेल यहाँ पर प्लांट सेल में भी सुसाइडल बैग के रूप में एक स्फेरोसोम होता है, एक स्फेरोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी कचरा, क्योंकि गार्बेज कैफे कहा जाता है लाइसोसोम को, तो जिस तरह से लाइसोसोम को गार्बेज कैफे कहा जाता है एनिमल सेल में, ठीक उसी तरह ये जो स्फेरोसोम जो होता है प्लांट कोशिका का क्या बोलते हैं, गार्बेज कैफे कहा जाता है, क्योंकि प्लांट कोशिका में लाइसोसोम नहीं स्फेरोसोम पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक पॉइंट और है यहाँ पर इस स्थिति में, एक पॉइंट और यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि जो एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो एंडोस्पोर जो होते हैं, ठीक है, एंडोस्पोर कहा जाता है, तो ये एंडोस्पोर में पाया जाता है। और जो कार्टिलीडन, ठीक है, कार्टिलीडन जो होता है, कार्टिलीडन जैसे कि बीज होता है, ठीक है, ये एक्चुअली दोनों जो होता है एक प्रकार के ये बीज है। ठीक है, एंडोस्पोर अंदर वाला पार्ट होते हैं, कार्टिलीडन भी अंदर के पार्ट सीड में पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि कार्टिलीडन जो बीज पत्र होता है, बीज पत्र जो होते हैं, इस बीज पत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, स्फेरोसोम जो होता है, ठीक है, तो आपका दो टॉपिक हो गया, लोमासोम स्फेरोसोम। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है ट्रांसोसोम, देख लेते हैं। ठीक है, या ग्लाइसोसोम एक और बच गया है, दोनों को एक साथ देख लेंगे। ठीक है,
चलिए, तो तीसरा वाला जो माइक्रो बॉडी है, तीसरा माइक्रो बॉडी को कहा जाता है ग्लाइऑक्सीसोम कहा जाता है। ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम कहा जाता है। ठीक है, यह है ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, तो ये जो ग्लाइऑक्सीसोम जो है, इसका सबसे पहली बार इसका जो खोज जो है वो बीवर्स नाम के वैज्ञानिक है, बीवर्स नाम के वैज्ञानिक ने इसको देखा था। और ये जो देखा था एक बीज है, ठीक है, इस बीज में देखा था, जिसे अरंड कहा जाता है, अरंड के बीच में इसको पहली बार देखा गया था। ठीक है, और इनकी जो संरचना जो होता है, ठीक है, मतलब बीच में पाया, बीच में देखा गया था। ठीक है, मतलब ये है कि ये इस कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो याद ना यहाँ पे पाया जाता है, तो ये प्लांट जो सेल जो होते हैं पादप कोशिका में, ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, इनकी संरचना देखे तो इनकी जो संरचना जो प्लांट सेल में कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, सेकंड ये गोलाकार होता है। ठीक है, छोटा गोलाकार, और तीसरा आपको लेना है थैलीनुमा संरचना होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये है कि ये कण जैसे दिखाई देता है, मतलब कणनुमा है ये, पार्टिकल्स लाइक। ठीक है, और पांचवा ये है कि इनमें एंजाइम भरे होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइम इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें जो एंजाइम जो होता है, ठीक है, यहाँ पर एंजाइम जो होते हैं, दो प्रकार के एंजाइम ज्यादा इसमें पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं मिलेटेस सिंथेस एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है आइसोसाइट्रेस एंजाइम। ठीक है, तो पूरे एंजाइम से जो ग्लाइऑक्सीसोम्स जो होता है वो भरा होता है, कणनुमा होता है, थैलीनुमा होता है, गोलाकार संरचना होते हैं, और ये छोटा होता है, छोटा मतलब ये सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो प्लांट सेल में इनकी संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर ही इसमें बना लेता हूँ। ठीक है, ये प्लांट सेल का डायग्राम। ठीक है, और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल वॉल। ठीक है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पूरा इसमें लिक्विड भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। और यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा गोलाकार थैलीनुमा संरचना होता है। ठीक है, और ये एक पॉइंट है, इसमें लिखना छठवां नंबर में, कि ये एकल झिल्ली से बना होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली, एकल झिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर संरचना आपको दिखेगा इसी में ही, कोशिका द्रव्य के अंदर में ही ये गोल छोटा सा एकल झिल्ली रहता है ना, मैं इसमें थोड़ा सा डार्क बना दिया हूँ, लेकिन ये एकल झिल्ली संरचना में पाई जाती है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है, क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम कहा जाता है। ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम इसको कहा जाता है। ठीक है, और इनके अंदर में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये पूर्ण रूप से एंजाइम्स से भरे हुए रहते हैं। ठीक है।
और इनकी उत्पत्ति यहाँ पर देख लेते हैं। उत्पत्ति के बारे में एक पॉइंट देख लेते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति जो हुआ है, ठीक है, इनकी उत्पत्ति जो हुआ है वो किस तरह से हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इनमें आप जानते हैं कि प्लांट सेल में क्योंकि वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स इनमें 90% जो पार्ट जो होता है वो पूरा वैक्यूल से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इनमें जो किनारे की ओर आ जाता है न्यूक्लियस, जो केंद्र जो होता है वो किनारे की ओर आ जाता है, क्योंकि 90% इनकी अंदर में ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन में फिर यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक क्या पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऐसा सिस्टमी टाइप के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, और इनके सरफेस में जानते हैं आप राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये इनवेजिनेशन की वजह से ये गोल एक वेसाइकल है, वेसाइकल बना लेता है ना, और इसी वेसाइकल को ही कहा जाता है ग्लाइकोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, ग्लाइकोसोम की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और इनका जो इनका जो फंक्शंस जो होता है वो ये है कि फंक्शंस यहाँ पर देख लेते हैं कार्य, ठीक है। तो इसका एक कार्य ये होता है क्योंकि ये जो आपका जो वेसाइकल जो आपको ये जो दिख रहा है ग्लाइकोसोम जो होता है इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, मैंने बताया है ना। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो फैटी एसिड जो होता है, ठीक है, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड वसी जो अम्ल जो होते हैं यहाँ पर फैटी एसिड हाइड्रोलेटेज जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो ये फैटी एसिड को क्या करते हैं इन सेल में ये उसको क्या कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है, ठीक है। तो याद रखना इनका जो फंक्शन जो है ये है कि वसा का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या कहते हैं वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, और ये जो फैटी एसिड में जो कार्बोहाइड्रेट में टूटता है तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में, ठीक है, ये यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है बीटा ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में, ठीक है, ये बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया में ये जो फैट जो होता है, ठीक है, ये फैट किसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ये क्या हो जाते हैं चेंज हो जाता है, ठीक है। और ऐसा जो फैटी एसिड जहां भी पाया जाता है एग्जाम्पल के लिए आप जानते हैं जैसे कि पीनट होता है, ठीक है, पीनट जो मूंगफली जो होता है, ठीक है, मूंगफली जो होता है उनमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है मूंगफली में, ठीक है। और साथ में जो क्लस्टर वाले जो सीड होते हैं, ठीक है, क्लस्टर वाले जो बीज होते हैं उनमें ये पाया जाता है फैटी एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है। पीनट और जो क्लस्टर सीड जो बीज होता है
में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनके ये जो फैटी एसिड एंजाइम्स के प्रेजेंट है, यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्योंकि हाइड्रोलाइटेस हो रहा है, बाहर निकलता है, उसमें हाइड्रोलाइटेस में वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है, तो यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में ये कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। तो यही इसका क्या है फंक्शन है, वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन, और ये परिवर्तन जो होता है बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इस फैट वसा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही है ग्लाइक ऑक्सीजन के बारे में इतना ही। ठीक है, और एक पॉइंट और, ठीक है एक पॉइंट और मैं यहीं पे एक चीज और बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सीड के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सीड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई भी सीड है, मान लीजिए ये पीनट वाले सीड है। ठीक है, मान लीजिए पीनट है। ठीक है, तो इस पीनट जब ये जर्मिनेट हुआ, ठीक है क्या हुआ, मान लीजिए ये जर्मिनेट हो गया, अंकुरित हो गया, अंकुरित। ठीक है, तो अंकुरित होने के समय ये जो वसा जो होता है कार्बोहाइड्रेट में, उसी समय ही ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इसीलिए आप जानते होंगे कि जो सीड को रात के समय में भिगा के रखा जाता है, और भिगा के रखते हैं तो वो हमको, इसीलिए हम खाते हैं तो उनसे एनर्जी प्राप्त होता है, क्योंकि एनर्जी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो फैट में ज़्यादा एनर्जी होता है, लेकिन फैट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जर्मिनेट जब होता है तो उसमें वो जो वसा जो होता है वो क्या होते हैं, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीन माइक्रोबॉडी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब चौथा वाला देखते हैं, पर ऑक्सीसोम्स। ठीक है, ट्रांसोसोम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद पर ऑक्सीसोम्स। ठीक है, ठीक है, तो ट्रांसोसोम के बारे में थोड़ा सा एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसोसोम, ठीक है एक्चुअली टॉपिक में नहीं है हमारे, लेकिन फिर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रांसोसोम एक्चुअली वो किसमें पाए जाते हैं, होता क्या है वो। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ट्रांसोसोम जो होते हैं, ठीक है ये जो एबीसी जो होते हैं, मैंने पहले ही इसके बारे में शुरू में बता दिया था कि जो पक्षी जो होते हैं, ठीक है पक्षी के अंडाशय, ठीक है ओवी, ठीक है तो पक्षी के जो अंडाशय जो होता है, ठीक है ना,
इनमें पाया जाता है और इसलिए मतलब इनका एवियन ओवरी कहा जाता है, एवियन ओवरी। ठीक है, तो एवियन ओवरी में जो पुटिका जो होता है, पुटिका फॉलिकुलर संरचना होता है, फॉलिकुलर सेल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो फॉलिकुलर सेल में ये गोल, ठीक है, गोल संरचना 150 एंगस्ट्रॉम के व्यास में होता है, डायमीटर में ये संरचना पाया जाता है। ये ठीक है, अर्थात ये गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार संरचना होता है। और चूंकि ये क्या होते हैं कि फॉलिकल पुटिका के रूप में एक सेल से दूसरे सेल में इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, है ना, तो इनका फंक्शन जो है वो ये है कि ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, ये इसीलिए इनका नाम पड़ा है, ट्रांसोसोम इनका नाम पड़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में सिंपल सामान्य जानकारी कि ट्रांसोसोम जो होता है ये गोलाकार संरचना जो एवियन ओवरी में पाया जाता है, जो फॉलिकुलर जो पुटिका वगैरह जो होते हैं उनको सेल से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के काम करता है, ट्रांसफर स्थानांतरण करने का काम करता है, जिसे कहा जाता है ट्रांसोसोम कहा जाता है। चलिए इसके बाद कहते हैं पर आसी सोम। ठीक है, पर आसी सोम, जो होते हैं और साथ में जो किडनी का सेल होते हैं, ठीक है, किडनी से, ठीक है, तो रोडियन नामक वैज्ञानिक ने लिवर सेल और किडनी सेल सामान्य ने जो अध्ययन जो किया था, चूहों के अध्ययन किया था और चूहों के यकृत कोशिका जो किडनी जो मृत कोशिकाएं होते हैं उनमें पहली बार ये देखा गया था। ठीक है, और यही बात यदि हम प्लांट सेल में, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिसे 1968 में, 1968 में, ठीक है, टॉड बर्ट एट ऑल, ठीक है, टॉलबर्ट एट ऑल मतलब टॉलबर्ट और उनके सहयोगियों ने मिलकर 1968 में इस पर आक्सीसोम को क्या किया था, खोज किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, और इनकी जो संरचना जो होती है, ठीक है, इनकी जो संरचना जो होती है वो गोलाकार होता है। ठीक है, डायग्राम बनाऊंगा मैं, गोलाकार होता है। ठीक है, और इनमें भी एकल झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, कैसा होता है, एकल झिल्ली से बना हुआ रहता है। ठीक है, और यदि हम इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें, ठीक है, तो इनकी जो उत्पत्ति जो हुआ है एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम
क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एसीआर और एक होता है आरईआर होता है, ठीक है। तो ये जो आरईआर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बडिंग ऐसा बडिंग हो जाता है और इसी बडिंग से भी ये गोलाकार संरचना बनता है जिसे पर ऑक्सीसोम कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो उत्पत्ति है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है। आप जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम प्रेजेंट है तो यहाँ पर इनका जो सिंथेसिस जो होता है वो फैट या लिपिड का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है थोड़ा सा दोनों में, ठीक है। जैसे कि आप लाइसोसोम में देखा जाए जो स्पिरोसोम जो होता है, ठीक है, उनमें यदि अंतर देखे तो अंतर जो एक्चुअली जो होता है वो इस फैट ठीक अंतर होता है, बाकी लगभग सेम काम होता है उनका, ठीक है। तो पर ऑक्सीसोम की संरचना जो होता है वो गोलाकार होते हैं, एकल होते हैं, ये हो गया। और क्योंकि यहाँ पर फैट के बारे में बोले कि फैट लिपिड से होते हैं तो इनकी संरचना एकल छिद्र होती है, तो पर ऑक्सीसोम एक्चुअली जो होता है वो मेम्ब्रेन से चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। देखते हैं इसके डायग्राम, ठीक है, ये गोल संरचना है। तो मेम्ब्रेन से घिरा होता है और हमने बोला कि पराशोषण प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लिपिड बाइलेयर होते हैं, याद रखना लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो लिपिड बाइलेयर में ये संरचना मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये पूरा लिपिड से बना हुआ है, ठीक है। प्लांट मेम्ब्रेन आप जानते हैं लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है, ठीक है। ये इनका टेल होता है, जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायग्राम में देखे थे, है ना, इसमें टेल होता है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोलिक होते हैं ये, ठीक है। अंदर की ओर है और एक ऊपर बाहर की ओर इनमें संरचना पाई जाती है। ठीक है, और इनके ये लिपिड बाइलेयर हो गया, ठीक है। और इनके ये जो कोर है, ये कोर वाला पार्ट होता है, ठीक है। और इस कोर वाले जो पार्ट जो होते हैं, ठीक है, इस कोर कहा जाता है इसको क्रिस्टलिन कहते हैं, इसको क्रिस्टलिन कोर, ठीक है। तो ये पर ऑक्सीसोम की संरचना है, ठीक है। ये जो गोल संरचना जो होती है, ठीक है, और इसमें
क्रिस्टलिन को पाया जाता है। तो संरचना ये हुआ, क्योंकि लगभग लगभग देखा जाए तो ग्लायसोसोम्स और जो पर आसोसोम जो होते हैं वो एक ही वहाँ से मतलब एक ही जगह होते हैं और उन्हीं से ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम जो है, ठीक है, तो ये जो आर ई आर वाला जो होते हैं ये यहाँ पर बडी सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये ऐसा संरचना बन गया है, ठीक है, इसको बडीन कहते हैं। तो बटिन शेप हुआ और बाद में ये अलग हो जाता है इससे, ठीक है, और ये गोल संरचना का निर्माण कर लेता है जिसे कहा जाता है पर ऑक्सोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसे फंक्शन को देखे, ठीक है, कार्य देखे कि वो किस तरह से हेल्प करता है, ठीक है, कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो हेल्प जो करता है, ठीक है, वो हेल्प, ठीक है, हेल्प इन कन्वर्जन, ठीक है, कैसे कन्वर्जन करता है, मतलब कन्वर्जन ये है कि जो एंजाइम्स अमाइनो एसिड जो होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड जो होते हैं और यूनि में, ठीक है, ठीक है, यूनि ए होता है, ठीक है, यूनि ए, और यहाँ पर जो अमाइनो एसिड जो होते हैं, ठीक है, ये अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं H2O2 में, ठीक है, और ये जो आपको H2O2 जो दिख रहा है ये पराक्सिसोम होता है, पराऑक्साइड कहा जाता है इसको, ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड H2O। तो यूनिक ए जो होता है वो अमाइनो एसिड आपस में यहाँ पर कन्वर्ज करके हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन जो परऑक्साइड जो है, ठीक है, ये टॉक्सिक होता है और साथ में ये नॉन टॉक्सिक भी होता है, ठीक है, तो टॉक्सिक भी होता है और नॉन टॉक्सिक भी होता है, ठीक है, और यहाँ पर एंजाइम्स भी होता है, ठीक है, यदि यहाँ पर एंजाइम्स हुआ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब हुआ तो वो टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है, यहाँ पर दूसरा फंक्शन ये है कि वो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है, ठीक है, H2O2 का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन भी करता है, ये सेकंड फंक्शन है इनका, कि H2O2 का ब्रेक डाउन करता है, कैसे ब्रेक डाउन करता है, ये H2O2 जो है, ठीक है, इनका क्या होता है, ब्रेक डाउन हुआ क्योंकि हाइड्रो H2O2 परऑक्साइड है, तो यहाँ पर इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होते हैं वो बाहर निकल जाता है और ये निर्माण कर लेता है H2O और साथ में ऑक्सीजन का ये निर्माण कर लेता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 हुआ, और सामने में 2 और ये सामने में 2, ठीक है।
ठीक है, और इनका यहाँ पे सामने में दो दो चार और दो छह, दो दो चार और दो छह, ठीक है। तो ये इस तरह से वाटर का निर्माण कर लेते हैं और ये ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इनका मेन फंक्शन जो हुआ वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तीसरा जो फंक्शन जो है वो तीसरा फंक्शन भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ दिया वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ दिया, याद रखिएगा वो। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा जो क्वांटिटी जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो तीसरा जो फंक्शन जो है पर ऑक्सीसोम का एक तीसरा जो फंक्शन जो वो है कि रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन की जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस जो होता है, ठीक है, प्रकाशी श्वसन की अभिक्रिया कहा जाता है, इनमें इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और पर ऑक्सीसोम, ये तीन पॉइंट याद रखना। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं कि इनमें से कौन फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है या है। तो ये तीन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जो पर ऑक्सीसोम जो होते हैं, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। और आपको मैंने फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस पहले ही पढ़ा चुका है, ठीक है। और यदि आपको थोड़ा सा और यहाँ पर डिटेल देखना है तो मैं बता सकता हूँ। और तो सबसे पहले यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट के अंदर में होता है, ठीक है, तो ये प्लांट, ठीक है, ठीक है, तो ये वाला संरचना जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा संरचना है, क्लोरोप्लास्ट है ये, ठीक है, और एक हम लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो ये प्लांट से लेना कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ले लेते हैं, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और एक हमारा अब बच गया ऑक्सीसोम, ठीक है, तो ऑक्सीसोम ले लेते हैं, ये, ठीक है, ये क्या है, पर ऑक्सीसोम, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, नहीं लिख रहा होगा तो पर ऑक्सीसोम, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पर ऑक्सीसोम, ये तीनों जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोरेस्पिरेशन की क्रिया में ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है, ठीक है, और क्रेब साइकिल में आपको याद होगा जहाँ पे बताया था रुबिस्को, यहाँ पर एंजाइम्स होता है, रुबिस्को एंजाइम्स होता है, और ये जो रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पीजीई, ठीक है, पीजीई में, और जिससे यहाँ पर CO2 जो होता है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, शुगर कन्वर्ट होता है यहाँ पर, ठीक है, शुगर में, ठीक है। और यहाँ से जो एक रुबिस्को जो एंजाइम्स जो होता है, ठीक है, यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम्स, ठीक है, आप क्योंकि वाटर जो है O2, ठीक है, आप देखें O2 निकलता है, ठीक है, और इस O2 के साथ में, ठीक है, इस O2 के साथ में
ठीक है, इसको एंजाइम और यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, PGA जो होता है GPGA, इसमें क्रेब्स साइकिल में जुट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर फोटो ठीक है, और यहाँ पर प्लस फोर टू PGA जो होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर फोटो ग्लाइकोलेट में, ठीक है, फोटो ग्लाइकोलेट जो साइकिल होते हैं उस साइकिल में ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये कन्वर्ट होके ये पर ऑक्सीसोम जो होते हैं पर ऑक्सीसोम में ये आ जाता है, ठीक है, और पर ऑक्सीसोम में आके, ठीक है, ये जिलेटिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्या बना लेते हैं, जिलेटिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये जो जिलेटिन जो होता है, ठीक है, ये जिलेटिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में आके कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ग्लाइकेन जो होता है एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये ग्लाइकेन में आके क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर कार्बन, ये जिलेटिन जो है, ठीक है, कार्बन एक ऑक्साइड और साथ में जो अमाइनो एसिड जो होता है सीरेन, ठीक है, सीरेन में ये टूट जाता है ये, ठीक है, और ये जो सीरेन जो होता है ये यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और ये बना लेगा सीरीन और साथ में ग्लाइकोलेट, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोलेट जो होता है वो फिर से यहाँ पर आके कन्वर्ट हो जाता है, इसमें PGA में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। तो फोटो रेस्पिरेशन ऑलरेडी हमने बताया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो फोटो रेस्पिरेटरी वाले साइट जो होते हैं मैट्रिक्स में पाया जाता है ना, तो मैट्रिक्स में तो याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जो पर ऑक्सीसोम जो होते हैं, इन तीनों जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया के लिए, ये क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से ग्लाइकोलिक जो होते हैं, ये जो ग्लाइकोलिक है ये देख लीजिए, फोटो ग्लाइकोलिक जो होते हैं वो किस तरह से इस पर ऑक्सीसोम में क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है वो आपने देखा, ठीक है। और ये श्वसन की क्रिया के उपरांत, क्योंकि श्वसन की क्रिया जो होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होता है, और श्वसन की क्रिया के उपरांत ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, और फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया यहाँ पर होता है, और जिनसे यहाँ पर जो होता है जो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो मटेरियल्स जो होते हैं, फैट जो होते हैं, ये फैट जो होता है यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक जो प्रक्रिया होता है यहाँ पर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है ये फैट का यहाँ पर कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको पहले ही बताया कि जो फैट जो होता है वो कन्वर्जन हो जाएगा C6H12O6 जो होता है कार्बोहाइड्रेट में, ये टूट जाता है, ठीक है, जहाँ पे हमने बताया बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया चलती है, फिर बाद में यहाँ से आपको बताया कि H2O2 परा ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और फिर परा ऑक्साइड जो होता है वो फिर से ऑक्सीजन और वाटर में H2O में टूट जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर O2 मिल गया, तो O2 का अमाउंट ज्यादा होता है, और यहाँ पर CO2 जो होता है, ठीक है, यहाँ पर इनकी मात्रा कम होती है और इनकी मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, ठीक है। तो इस तरह से पर ऑक्सीसोम जो होता है वो फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, थैंक यू। और यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है, थैंक यू।